बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम। आज हम आपको एक ऐसी दुआ फरियाद, एक ऐसी अरदास और उसके तरीके के बारे में बताएंगे जिससे आपके सभी बिगड़े हुए काम अपने आप ही सही हो जाएंगे, अपने सभी काम बन जाएंगे। जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियां है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, गुर्बत है, वह भी आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख भी नहीं आएगा। पीर बाबा को मानने वालों के लिए यह वीडियो अति ज़रूरी है, इसे पूरा ज़रूर सुनना, आपके सभी मसले हल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग अक्सर ही यह गिला करते हैं कि हम हर दिन दो समय अपने पीरो मुर्शिद के आगे दुआ फरियाद करते हैं, फिर भी हमारी दुआ फरियाद कबूल नहीं होती। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हमारी ही गलती के कारण होता है। 101 तो दुआ वही कबूल होती है जो दिल से होती है, मुश्किल तो ये है कि वह मुश्किल से होती है। दुआ दिल से करें, यकीन अकीदा रख कर करें, विश्वास रख कर करें, वही दुआ कबूल होगी। जब हम आंखें बंद करके अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में दुआ करते हैं तो उसमें कोई भी शब्द मैटर नहीं करता, हम क्या बोल रहे हैं यह मैटर नहीं करता। हम कितने दिल से, कितनी श्रद्धा से, कितने विश्वास के साथ कोई शब्द बोल रहे हैं यह मैटर करता है। जब भी आप आंखें बंद करें तो अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, आप ऐसे ही अपने पीरो मुर्शिद के आगे इन्हीं शब्दों को रख देना। इंशाअल्लाह ताला पीरो मुर्शिद बड़ा मेहरबान है, रहम दिल है, बख्शनहार है, तारनहार है, देनहार है। वह हमारी गलतियों को माफ़ करके हमारी दुआ को कबूल ज़रूर करेंगे। वह दुआ कौन सी और कैसे पढ़ें, आओ सबसे पहले हम दुआ सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ऐ जमीन और आसमान को बनाने वाले, ऐ जिंदगी अता करने वाले, ऐ मेरे आका इस जहाँ को चलाने वाले, दो जहाँ के वाली आप हर जगह हर समय मौजूद है, हमें भी आपका अनुभव होता है। आपके रहमो करम से ही हमें ज़िंदगी मिली है और आपके रहमो करम से ही हम इस भव सागर से पार होंगे। मुझे मालूम है कि आपकी निगाह मुझ पर पल पल है, हम आपके रहमो करम पर ही जी रहे हैं, आपके दिए हुए सांस, आपके द्वारा दी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐ मेरे मालिक, तू आकाश में भी है, तू पाताल में भी है, तू धरती पे भी है और तू समंदर में भी है। इस दुनिया के कण कण में तू समाया हुआ है। आपने जो मुझ पर आजमाइश डाली है, आप अपने रहमो करम से, अपनी रहमतों के सदके में, अपने नबियों के सदके में, अपने वलियों के सदके में मुझे इस आजमाइश से बाहर निकाल। मुझ पर ऐसा कर्म करो कि मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय आपसे बातें करते हुए, आपका ध्यान करते हुए ही गुजरे। मुझे दुनिया की बुराइयों से बचाकर रख, मुझे अपने कदमों में रख, मुझे अपनी पनाह में रख। जो भी मेरे दुश्मन हैं, जो मेरा रास्ता रोक रहे हैं, वह इनसे भी बचा रहूं और ऐसा समय मेरी ज़िंदगी में आए कि मैं आपकी बारगाह में हाजिर होकर आपको प्रवान हो जाऊं। ऐ मेरे मालिक, तेरे सिवा मुझे कोई बचा नहीं सकता, तेरे सिवा मुझे कोई दे नहीं सकता, तेरे सिवा मुझे कोई बख्श नहीं सकता। मैं अपने आप को आपकी बारगाह में, आपकी पनाह में देता हूँ। मेरा कर्ता धर्ता तू ही है, जो भी मुझसे गलती और गुनाह हुए हैं जाने अनजाने में, कोई भी पिछले जन्म का भी कोई गुनाह है, अपनी रहमत से,
आप अपने नबियों के सदके में मुझे बख्श दें, क्योंकि आप 70 माओं जितना प्यार करते हैं। आपके प्यार का, आपकी रहमत का कोई पार नहीं है, और आपके सिवा कोई मेहरबान भी नहीं है, कोई बख्शनहार भी नहीं है। ऐ मेरे मालिक, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप पर ही विश्वास है, आप पर ही आस उम्मीद है। मेरी इस उम्मीद को टूटने ना देना, और मुझे इस दुनिया के दुखों तकलीफ़ों परेशानियों से गुरबत से बचा लेना, और अपना नूर मुझ में भरना, और मुझे किसी तरह का कोई परेशानी कोई दुख ना आए ऐसा कर्म करना। मैं आपको आपके नबियों का वलियों का वास्ता देता हूँ, करबला के शहीदों का वास्ता देता हूँ। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, मुझ पर रहम करना। आमीन 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 सुम्मा आमीन। सो प्यारे दोस्तों, दिल से, गहराई से, दर्द से, यकीन पर, विश्वास पर अपना कीदा रख के अपने पीरो मुर्शिद अल्लाह पाक की बारगाह में अगर आप ऐसे ही दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ को कभी नामंजूर नहीं करेंगे। वे आपको नौ निदा बारा सिदा देंगे, और आपके ज़िंदगी के सभी मसले अपने आप हल कर देंगे।